शामिल हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री महेश कुमार गुप्त जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, किसान यूनियन राजनीतिक के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह चौहान जी, हमारे विभिन्न किसान यूनियन से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, किसान संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन देश की आबादी के सबसे बड़ी बड़े राज्य के अन्नदाता किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आज कृषक बिल माफी के इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने जा रही है, मैं इसके लिए प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश यह देश की हृदय स्थल के रूप में अपनी पहचान बनाता रहा है, दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि को अपने पास रखता है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है और हमारा अन्नदाता किसान भी वैसे ही परिश्रमी और पुरुषार्थी है। उसी की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि आज वह खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर एक पर लाने में सफल हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्षमता नहीं थी, पहले भी क्षमता थी लेकिन सरकारों की उपेक्षा थी, सरकारों के एजेंडे का हिस्सा किसान नहीं था। सरकार के एजेंडे का हिस्सा जब मोदी जी के आने के बाद किसान हुआ तो प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो कार्य प्रारंभ हुए आज उसके परिणाम हम सबके सामने है और आज उसी परिणाम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं, क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान है जो देश के अंदर की 11% कृषि भूमि, कृषि योग्य भूमि केवल प्रदेश में है लेकिन उसमें देश का हमारा यह अन्नदाता किसान 20% देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में करता है। यहां की उर्वरता और यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को प्रदर्शित करता है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डबल इंजन सरकार ने जो कहा था वह करके दिखाया है। आज जब हम इस कृषक बिल माफी के कार्यक्रम को यहां पर मूर्त रूप देने जा रहे हैं, यह अप्रैल 2023 से ही लागू होगा और आज हम इसको आगे बढ़ा करके एक निरंतर देने जा रहे हैं। प्रदेश में निजी नलकूप प्रदेश के अंदर 14,78,591 किसानों के पास ये निजी नलकूप है, जिसमें 13,48,093 निजी नलकूप किसानों के ऐसे हैं जो 10 हॉर्स पावर या उससे नीचे के हैं, 1,28,944 ऐसे निजी नलकूप हैं जिनके 10 से 15 हॉर्स पावर क्षमता का के जो हॉर्स पावर के हैं और 8,923 ऐसे हैं जो 15 हॉर्स पावर से ऊपर के हैं। इस योजना में हम इन सभी को यहां पर लागू करने जा रहे हैं कि उनको हम इस ऋण माफी के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके मुफ्त में उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम लोगों ने 1 अप्रैल 2023 से ही लागू किया है। बहनों और भाइयों,
गत वर्ष हमने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के बजट में की थी। हम अपने वित्त मंत्री को इसीलिए लेके आए हैं, ऐसा ना हो कि बाद में मुकर जाए। क्योंकि उनको फोटो दिखाएंगे ना उस समय के, देखो आप ही के सामने सब हो रहा था, नहीं तो पैसा देने में खन्ना जी कभी कभी भूल जाते हैं। और इस बार 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके साथ ही कुछ और योजनाएं भी हैं। आप यहां पे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, दो स्कीम आई हैं जिसमें आप देश के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, स्वस्थ ईंधन की तरफ जुड़ सकते हैं, जो आपके निजी नलकूप है। इस निजी नलकूप में जब सिंचाई की आवश्यकता पड़े उस समय पानी लीजिए, शेष समय आपको बिजली मिलकर अतिरिक्त तो आमदनी करा सकते हैं सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए, अतिरिक्त आमदनी आपकी होगी। 60% अब तक हम उसमें सब्सिडी दे रहे हैं और ऊर्जा विभाग अलग से दे रहा है, बल्कि अगर दोनों विभाग एक साथ मिलकर के, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को चलाएगा तो और अच्छे ढंग से हम इसको ज्यादा किसानों को जोड़ सकते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि 14,78,000 जो हमारे अन्नदाता किसान हैं, इनको हम प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या सोलर पैनल उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम के साथ प्राथमिकता के साथ जोड़ सकेंगे तो अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी भी होगी और बिजली की आवश्यकता भी नहीं होगी। अन्नदाता किसान ये पेट भरने के लिए अन्न देता है तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले और 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति है? 17 के पहले, 14 के पहले देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा था, खेती किसानी से प्लान कर रहा था। सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो या प्रधानमंत्री कृषि बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, या प्रधानमंत्री के द्वारा देश के अंदर एमएसपी की लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का कार्य, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, पहली बार इतनी स्कीम एक साथ पूरे देश के अंदर निकली है। एक ही उद्देश्य है, अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत के संकल्प को मूर्त रूप दे सके। 2047 में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी तो हमारा अन्नदाता किसान भी उस समय आत्मनिर्भर बन करके खुशहाल जीवन जी सके। यह जब तक खुशहाल नहीं होगा भारत खुशहाल नहीं हो सकता, और इसलिए इस अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई है। 2,36,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम लोगों ने किया है, नहीं तो गन्ना किसानों की स्थिति क्या होती थी। यहां दाम भी बढ़ाया गया और गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया गया, और नहीं तो 8-8 जब हम लोग 17 में आए थे 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान बाकी था। प्रोक्यूरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। आज ये जरूर हो सकता है कि एमएसपी से ज्यादा दाम मार्केट में मिल रहा है तो हमने फ्रीडम दी है अन्नदाता किसान को, जहां अच्छा दाम मिले वहां बेचे अपनी फसल को। कोई कारण नहीं कि आप सरकारी क्रय केंद्र में दे, लेकिन कोई नहीं लेगा तो सरकार अपने अन्नदाता किसान की उपज को लेगा और लागत का 1.5 गुना दाम देगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्योर किया है, और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए। मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। किसान की खुशहाली हो इसके लिए अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पीएम कुसुम की यह योजना भी मोदी जी की स्कीम है, जिसको अभी कृषि मंत्री कह रहे थे कि किस ढंग से हमने इसको प्रभावी ढंग से किया। और फिर ये प्रदेश की डबल इंजन की सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए पहले फैसले को लेने लेकर के आगे बढ़ी थी। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी, लोग कहते थे कैसे होगा। हमने कहा देखो, अगर अन्नदाता किसान ने यहां भेजा है तो मोदी जी की
जवान से निकली तो होगा जरूर, चिंता मत करो। और पहले ही कैबिनेट में हम लोगों ने इसको लागू किया था और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सफलतम योजना के रूप में आगे बढ़ी थी। आज हम सब इसको लेकर के आगे बढ़े हैं। विभाग इसमें व्यापक कार्य योजना के साथ आपके पास बढ़ने जा रहा है और इन कार्यक्रमों को हम व्यवस्थित रूप से करेंगे, लागू करके करेंगे। किसान, अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों का पूरी चिंता करती है, उसको संरक्षण भी देगी, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। 2017 के पहले क्या होता था प्रदेश में, न व्यक्ति सुरक्षित था, न उसकी फसल सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था, न उसकी कृषि सुरक्षित थी, न बिजली थी और न ही किसान को कोई सम्मान ही मिल पाता था, कुछ भी तो नहीं था। अव्यवस्था थी, अराजकता थी, हाँ, बीज के लिए भी परेशानी, खाद के लिए भी परेशानी, पानी भी के लिए भी परेशानी, बिजली के लिए भी परेशानी, और अपराधियों का भय अलग था। आज देखिए हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता तो राम राम कहता है। अयोध्या में तो रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, राम नाम लेकर के चल रहे हैं, राम राम कह करके सब चल रहे हैं। और भाइयों बहनों, आपको यही आश्वस्त करने के लिए हम लोग आए हैं। पूरी सरकार यहां पर आई है, सब लोग यहां पे आए हैं। देखिए दोनों डिप्टी सीएम भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त भी हैं, बिजली विभाग के सभी अधिकारी भी हैं, हमारे किसान यूनियन के लोग जो जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हैं वे लोग भी यहां पर हैं, किसान मोर्चा के लोग भी यहां पर हैं, एक साथ। ये कभी मिलते नहीं है, क्योंकि किसान यूनियन धरना प्रदर्शन करेगा तो सरकार वहां नहीं जाती। जहां सरकार रहती है वहां पर ये लोग उतनी दूरी बना करके रखते हैं, लेकिन आज किसान का हित था तो सब लोग एकजुट हो गए। देखिए देश का हित यही होता है, हम सब के लिए देश का हित सर्वोपरि है। और मोदी जी यही कहते हैं, देश पहले, देश का हित पहले। और देश के हित पहले के लिए हमने जो वायदा किया कि वह पूरा हुआ। अब हम चाहेंगे प्राथमिकता के आधार पर पीएम कुसुम योजना या ऊर्जा विभाग की सोलराइजेशन की जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई, ट्यूबवेल पर लगाना, किसान के अतिरिक्त आमदनी भी हो और बिजली से हम उतना ही दूरी बनाकर के रखेंगे। नहीं, हम अपनी बिजली स्वयं पैदा करेंगे, जिस समय हमें बिजली के पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम उससे पानी ले लेंगे, शेष समय हम बिजली जो पैदा होगी उसको हम सरकार को बेचेंगे, उसके अतिरिक्त लाभ आपको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर प्रदेश के ये जो 15 लाख किसान परिवार हैं, इनके माध्यम से जो 65 यानी 75 लाख से अधिक लोग सीधे सीधे आज लाभान्वित होने जा रहे हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। इसके माध्यम से एक बड़ा तबका इससे लाभान्वित होगा, उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। आपको कल परसों शिवरात्रि है, शिवरात्रि की भी हृदय से बधाई, और इसके बाद होली भी आएगी, होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी से, कृपया पद। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान समेत 7 पर आरोप तय, कोर्ट ने 18 मार्च से शुरू होगी कवायद। इटावे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन